Assalamu alaikum students, hope that you all are fine and safe in your homes. Let's start today's lecture. Open your book. Exercise 1.3 हमने start की हुई थी और इसमें हमने जो question number 1 है subtract the following, ये वाला आपने book work complete कर लिया था अपनी last class में. ठीक है, आज हम next start करेंगे find the differences. ठीक है, difference का मतलब भी subtract करना ही होता है. ठीक है, 13 वाला question solve करना start करते हैं हम. ठीक है, आप लोगों ने इस तरह अपनी नोटबुक्स के ऊपर क्वेश्चन को लिख लेना है. ठीक है, फिर हम राइट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या लिखा हुआ है, 3 में से हमने क्या करना है, 4 को सब्सट्रैक्ट करना है. अब 3 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 क्या है, एक स्मॉलर नंबर है और 4 क्या है, एक लार्जर नंबर है. स्मॉलर नंबर में से हम लार्जर नंबर को माइनस नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 वाले नंबर से क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे एक नंबर. तो जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है, 0. तो यहाँ से भी हम कैरी ले ही नहीं सकते, तो उससे नेक्स्ट वाले नंबर पे आ जाए. उससे नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, 4. ठीक है, तो 4 से हम क्या करेंगे, 1 कैरी ले लेंगे. 4 से पहले 1 सेकंड वाले नंबर पे कैरी लेंगे, तो 1 कैरी लेके ये क्या बन गया, 10. और 4 को कट करके अब यहाँ पे क्या रह गया, 3. ठीक है, 4 ने एक कैरी दे दिया था. ठीक है, और यहाँ पर अब क्या रह गया, 3 रह गया. अब ये क्या डिजिट बन गया, 1 0 10. ठीक है, अब क्या हम करेंगे, इस 10 से 1 कैरी 3 के पास ले आएंगे. ठीक है, तो यहाँ से इसने इसको 1 कैरी दे दिया, तो ये 13 बन गया. और यहाँ पे जो नंबर रह गया वो क्या रह गया, 9. ठीक है, अब 13 में से हम 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, आप अपने रफ वर्क में भी कर सकते हैं, 13 - 4 = 2. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9. ठीक है, अब हम इस 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं अपने आंसर बॉक्स में. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब डिजिट क्या है, 9. ठीक है, यहाँ पे पहले हमने कैरी लेके सॉल्व किया था, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट रह गया था वो क्या रह गया था, 9. अब 9 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर अगेन क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 9 ही लिख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 3. ठीक है, 4 नहीं है, क्योंकि 4 से हमने एक कैरी लेके इस तरफ इस नंबर को एक कैरी दे दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 कैरी देने के बाद जो रह गया वो क्या रह गया, 3. अब 3 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर है 3. 3 में से 5 को हम माइनस नहीं कर सकते. अगेन वही है कि हमारे पास एक स्मॉलर नंबर 3 है, उसमें से हम लार्जर नंबर 5 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो 3 हम 3 साथ वाले जो एक नंबर है वहाँ से क्या लेंगे, कैरी लेंगे. तो 8 में से 1 यहाँ पे कैरी दे दिया, तो ये क्या बन गया, 13. और यहाँ पे क्या रह गया, 7. ठीक है, अब 13 में से 5 को माइनस करें, इसको भी अगेन रफ वर्क में कर लेते हैं. 13 माइनस क्या करना है, 13 में से माइनस को 5. 13 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8. ठीक है, हम यहाँ पे आंसर बॉक्स में क्या लिख लेते हैं, 8. नेक्स्ट हमारे पास अब डिजिट है 7. ठीक है, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाता है, 6. और नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 9. 9 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1. ठीक है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है. ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं. ठीक है, सेम इसी तरह ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. आपने ये ऊपर बुक वर्क भी किया. ठीक है, सेम इसी मेथड के साथ हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं. ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.